आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। लोगों में नई ऊर्जा भी है। फंड के संयुक्त प्रधान में जिस प्रकार से भवन मुरादाबाद पिछले महीने कार्यक्रम हुआ है, जनपद के शिक्षा बाइक रैली में भी हजारों की संख्या में हर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के ठीक प्रकार से लागू कराने हेतु एक जिला स्तरीय कोरम का गठन किया जाएगा। लखनऊ से आईएएस कोर के कोऑर्डिनेटर संजीव सिन्हा ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम की पूर्ण जानकारी प्रदान की। चैंपियन समिति मलाला फंड के साथ मिलकर बालिका शिक्षा के विकास के लिए प्रदेश स्तर पर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में समीर बिना कपिल रस्तोगी आदि ने सक्रिय इस कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, जिसमें प्रति जिले से 50 की संख्या में युवा उपस्थित होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्रों में यह कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र के जैसे काशी क्षेत्र का प्रयागराज में होना सुनिश्चित हुआ है, बुंदेलखंड का झांसी में होना सुनिश्चित हुआ है, गोरख क्षेत्र का गोरखपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। उसी क्रम में पश्चिम क्षेत्र का मुरादाबाद जिले में युवा संसद का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। कब को होगा ये आपका कार्यक्रम और क्या इसकी विशेषता? यह युवा संसद का कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। युवा संसद के 2 विषय चयनित किए गए हैं। पहला यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, फिर कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि पूरे देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाएं, जिससे हमारे देश का पैसा बचेगा और निश्चित तौर पर जो एक पूरा प्रशासन इसमें लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनका भी समय बचेगा, प्रशासन का उपयोग कहीं और किया जा सकता है। इस नाते से एक राष्ट्र और एक चुनाव का यह विषय सुनिश्चित किया गया है, जिसके माध्यम से यह युवा जो आ रहे हैं, युवाओं के माध्यम से यह नीचे तक पूरा विषय जाए और पब्लिक भी इसको मानने लगे।